अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन नाज खान। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छे से हूँ एंड होप करती हूँ कि आप भी सब अच्छे से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी शब कदर की। आज बहुत बड़ी रात है, अल्लाह ताला ने ये रात बहुत उससे बनाई है कि सब लोग मेरी इबादत करें, मतलब अल्लाह ताला की इबादत करें, और जो भी दुआएं हैं वो कबूल होती है और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहिए। तो हम भी आज रात में जो है इबादत करने वाले हैं एंड एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी सब इबादत करेंगे और अल्लाह ताला से हम जितने भी मतलब दुआएं मांगेंगे इंशाल्लाह वो सब कबूल होंगी। हमारी भी और आपकी भी यही दुआ है और गुनाह भी अल्लाह ताला माफ़ कर दे, क्योंकि हम बहुत गुनहगार बंदे हैं। हमने बाय डिफ़ॉल्ट तो बहुत सारे गुनाह किए होंगे जो हमको मालूम नहीं है, तो अल्लाह ताला उसको भी माफ़ कर दे, मेरे भी माफ़ कर दे, आपके भी माफ़ कर दे। बस यही अल्लाह ताला से दुआ है। और कहना चाहती थी कि मैं आपको जो है आज की व्लॉग में एक रेसिपी बता दूंगी जो इफ्तारी में हमने बनाई थी। और इफ्तारी के बाद में अभी हम थोड़ा सा मार्केट जा रहे थे क्योंकि राशन का कुछ मतलब किचन का कुछ सामान लेना था, तो मम्मी ने बोले कि ला दो, तो हम वो भी लाने जाने वाले हैं। और ईद भी सर पे खड़ी है तो काफ़ी कुछ किचन में लगता है, तो वो भी देखना पड़ेगा, तो वही लेने मैं जाने वाली हूँ, इसलिए तैयार हुई हूँ। और आके फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर इबादत करेंगे रात में, और आप भी मेरे साथ में इबादत कीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि सब कुछ अच्छा हो जाए। मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी कि सब कुछ अच्छा हो जाए एंड अल्लाह ताला हम सबको जन्नत नसीब अता फरमाए। बस यही कहना था आपसे, तो फिर स्टे ट्यून रहिए, मैं आपको रेसिपी भी बताने वाली हूँ। हो सकता है मार्केट जाऊँगी तो वहाँ की रौनक भी बता दूँ थोड़ी सी, बट ऐसा कुछ है नहीं मतलब। और बस यही कहना चाहती थी आपसे, तो वैसे जितना हो सकेगा तो आज के व्लॉग में आपको बताऊंगी। और बस मेरे साथ में बने रहिए और स्टे ट्यून रहिए, ठीक है? ओके। मैं आपसे कहना चाह रही थी कि मैं सहरी के लिए उठ चुकी हूँ एंड लगभग 3:30 बज रहे हैं, तो अब हम सहरी करने वाले हैं। उसके बाद में मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, तो स्टे ट्यून गाइस। तो जैसे कि मैं सहरी करने के लिए आ चुकी हूँ एंड सहरी करने के लिए मम्मी जो है गरम गरम रोटियाँ बना रहे हैं और चाय भी रख चुके हैं बनने के लिए, तो यही हम जो है आज की सहरी में खाने वाले हैं। तो नॉर्मली जो मैं सहरी में करती हूँ वो दूध रोटी ही खाती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है आपको ज़्यादा तीखा नहीं रहता है, तो एसिडिटी भी नहीं होती और पूरा दिन एनर्जी भी रहती है, तो मैं यही जो है नॉर्मली सहरी में खाती हूँ। तो नमाज़ पढ़ के मेरा हो चुका है, होप करती हूँ कि आप सबका भी नमाज़ पढ़ के हो चुका होगा। बस अभी जो है ऑलमोस्ट 6:15 बज रहे हैं, तो मैं सो जाऊँगी और सोने के बाद में जब सुबह उठूँगी तो आपसे बात करूँगी, तो स्टे ट्यून रहिए और देखिए कि आगे मैं क्या करने वाली हूँ, स्टे ट्यून गाइस। तो सुबह में उठने के बाद में तो फिर मैं नमाज़ हो चुकी थी जहर की, एंड जहर की नमाज़ होने के बाद में हम लोग जो है 3-4 बजे इफ्तारी बनाना शुरू करते हैं। तो आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ व्लॉग में वो है खीमे के समोसे। ये बहुत ही बेहतरीन डिश है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले फ्राई पैन ले लिया है एंड फ्राई पैन में जो है हमने तेल ले लिया है थोड़ा सा। तेल लेने के बाद में हमने जो है 1/2 किलो खीमा ले लिया है और उसको अच्छी तरह से धो के जो है छान लिया है ताकि उसमें से जो है पूरा पानी निकल जाए। इसी तरह से आपको भी करना है। और तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने दे रहे हैं एंड गर्म होने देने के बाद में जो है हमने उसमें जो है खीमा डाल दिया है एंड खीमा डालने के बाद में तेल में डालने के बाद में उसको अच्छी तरह से हम जो है भूनेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से आपको जो है भून लेना है। तेल एकदम ज़्यादा भी नहीं डालना और कम भी नहीं डालना है, खीमे के हिसाब से आपको अंदाज़ा होगा तो डाल दीजिए, नहीं तो 2 टेबल स्पून बहुत ज़्यादा मतलब सही पड़ते हैं, इतना आप डाल सकते हैं। उसके बाद में खीमे को जो है अच्छी तरह से हम भून ले रहे हैं ताकि जो है खीमा पकना स्टार्ट हो जाए। इस तरह से आपको जो है खीमा अच्छी तरह से पकने देना है ताकि जो खीमे का कच्चापन है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाए। तो इसी तरह से आप जो है कम से कम इसको जो है 10 मिनट एटलीस्ट तो पका लीजिए। उसके बाद में जो है हम इसमें 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक और मिर्ची का मसाला डाल देंगे, पिसा हुआ मसाला है।
तो हमने 2 टेबलस्पून इसमें डाल दिया है कीमे के साथ में, और फिर उसको अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे और उसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो कच्चे मसाले का स्मेल होती है वो निकल जाए। अच्छी तरह से हम इस तरह से भून लेंगे। इस तरह से इसको अच्छी तरह से भून लेना है थोड़ी देर के लिए, एंड फिर उसमें जो है हम मसाले डालेंगे ताकि जो हमारा मिक्स है वो रेडी हो जाए। तो इसको पकने के लिए हमने थोड़ी देर रख लिया था, एंड बहुत हम चिट चैट कर रहे थे और बना रहे थे। उसके बाद में हमने जो है 1/2 टेबलस्पून हल्दी ली है एंड हल्दी डाल दी है। उसके बाद में हमने 2 टेबलस्पून जो है लाल मिर्ची डाल ली है। अगर आपको और तीखा पसंद है तो आप थोड़ी और डाल सकते हैं, हम ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं इसलिए इतनी ही मिर्ची डालना पसंद करते हैं। उसके बाद में हमने जो है धनिया लिया है एंड धनिया जो है 1 चम्मच हमने डाल दिया है। उसके बाद में हमने जो है 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ डाल दिया है, एंड फिर नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। उसके बाद में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, एंड मिक्स करने के बाद में इसको अच्छी तरह से पका लेना है। सारे मसाले जो है खाने में मिल जाने चाहिए, कीमे में मिल जाने चाहिए, और कीमा भी मतलब गोश्त भी जो है अच्छी तरह से गल जाना चाहिए। तो आप इसको अच्छी तरह से जो है पका लीजिए ताकि इसका जो मिक्स है वो अच्छी तरह से रेडी हो जाए और कच्चा भी नहीं रहे, खाने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। इसको पूरी अच्छी तरह से भूनना और अच्छी तरह से पकाना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। अच्छी तरह से इसको पकाइएगा वरना ये कच्चा रह जाएगा, तो ध्यान रख के इसे अच्छी तरह से पकाइए। उसके बाद में हमने जो है एक प्याज ले ली है, उसको बारीक से काट लिया है एंड वो डाल दिया है। फिर उसमें जो है हमने 2 हरी मिर्ची भी डाल दी है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर वापस से हम उसको पका लेंगे ताकि प्याज और मिर्ची हमने जो डाली है वो भी पक जाए और कीमा में उसका टेस्ट आ जाए। तो हमारी चिटचाट भी हो रही थी, मतलब बातें भी हो रही थी, एंड हम ये भी कर रहे थे तो मज़ा आ रहा था। ठीक है, मतलब बात करना भी ज़रूरी होती है कैप्चर करने के टाइम पे, तो हम बातें भी करते हैं और कैप्चर भी करते हैं। उसके बाद में जब उसने कोथमीर डाली थी तो मैंने कैप्चर करना भूल गई थी, तो बाद में हमने कोथमीर डाल के भी उसको पका लिया था। अब जो है समोसे को चिपकाने के लिए सलेरी लगती है, तो हमने क्या किया है थोड़ा सा आटा लिया है, एंड आटा में जो है हम पानी डाल के उसको अच्छी तरह से बना लेंगे। ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि जब आप समोसे की पत्ती में मिक्स डालें और उसको बंद करें तो उसमें अच्छी तरह से वो गम की तरह चिटक जाए, इतना आपको गाढ़ा रखना है। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, एकदम ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, इस तरह से ही आपको कर लेना है जिस तरह से हम कर रहे हैं, और इसकी थिकनेस भी इसी तरह से रखनी है जिस तरह से हम आपको अभी बताएंगे। इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, गट्टे मत रखिए वरना जो है थिकनेस उसका लिक्विड जो है प्रॉपर नहीं बनेगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से लिक्विड बन जाए। तो अब जो है हमने समोसे की पट्टी ले ली है, समोसे की पट्टी जो थी रेडीमेड थी वो हमने ले ली है। उसके बाद में ऐसा त्रिकोण बनाने के बाद में हम जो है इसमें मिक्स डालेंगे। इस तरह से आपको जो है सलेरी लगा के उसको पैक भी करते जाना है ताकि तलने के टाइम पे जो है समोसा आपका फूटे नहीं और उसका मिक्स जो है इंग्रेडिएंट्स जो हम डाल रहे हैं उसमें वो निकले नहीं। तो इसी तरह से आपको जो है समोसे रेडी करने हैं।
एकदम ज़्यादा भी इसमें मिक्स मत डालिएगा वरना समोसे के फूटने के चांसेस रह जाएंगे। थोड़े से कम मिक्स डालिएगा और उसको अच्छी तरह से पैक कीजिएगा। पैक करने के टाइम पे सेलेरी अच्छे से लगाइए और अच्छे से इसे पैक कीजिए, वरना फ्राई करते टाइम पे आपके जो समोसे रहेंगे वो खुलने के चांसेस हो रहते हैं। तो अच्छी तरह से इसको पैक कर दीजिए। तो इस तरह से जो है हमने जितने समोसे बनाने हैं उतने समोसे हम रेडी कर देने वाले हैं। और मम्मी और मैं कैप्चर कर रही हूँ, मम्मी भी बैठ के समोसे वाल रहे हैं और सैम भी बैठ के समोसे वाल रही है। हम लोग तीनों बैठ के जो है साथ में ये वीडियो मैं बना रही हूँ एंड वो जो है समोसे बना रहे हैं, मैं कैप्चर कर रही हूँ और बात भी कर रहे थे। मम्मी भी बता रहे थे कि क्या है कैसे बनाना चाहिए कैसे नहीं बनाना चाहिए, उनका भी एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे थे। तो हम लोग तीनों बातें भी कर रहे थे और साथ ही साथ जो है समोसे भी रेडी कर रहे थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था, मतलब बहुत मज़ा आता है बात करने के साथ में, ये सब चीज़ करना तो अच्छा लगता है एंड काफ़ी नॉलेज भी बढ़ता है। क्योंकि मम्मी जो है इतने सालों से खाना बनाते हैं तो उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस होता है। तो वो जब शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और उस पर हम फिर उसके बाद में उसके ऊपर जब काम करते हैं, मतलब उनका एक्सपीरियंस जानने के बाद में वो चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है एंड काफ़ी चीज़ें अच्छी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो है हमने समोसे हैं पूरे बाल ले रहे हैं, एक साथ में हम जो है समोसे पूरे रेडी कर लेंगे एंड रेडी करने के बाद में ही उसको जो है हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से जो है हमारे समोसे जो है बाल के पूरे रेडी हो चुके हैं एंड रेडी होने के बाद में हम इसको अब तलने वाले हैं। हमने कढ़ाई में जो है तेल ले लिया है एंड तेल को अच्छी तरह से गर्म कर दिया है। समोसे को जो है हम डीप फ्राई करने वाले हैं तो इसलिए आपको ज़्यादा तेल लेना है कढ़ाई में और इस तरह से जो है समोसे आपको छोड़ देने हैं। समय से छोड़ने के बाद में एक साइड में इसको अच्छी तरह से पका लीजिए, थोड़े से ब्राउन हो जान लीजिए, उसके बाद में ही आप जो है नेक्स्ट साइड पलट लीजिएगा। इस तरह से जो है आपको अच्छी तरह से फ्राई कर लेने हैं, दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लीजिए। आपको जितना ब्राउन चाहिए आप ब्राउन कर लीजिए, लाइट ब्राउन है डार्क ब्राउन है जितना आपको पसंद है आप उस तरह से कर सकते हैं। हम थोड़े आज लाइट ब्राउन लगने वाले हैं क्योंकि कीमा हमने अच्छी तरह से पकाया था तो उसी तरह से हमने सोचा कि आज थोड़े से लाइट ब्राउन हम रखेंगे और इस तरह से हम पका रहे हैं इसे। अभी रमज़ान है तो रमज़ान की रौनक की बात ही अलग होती है क्योंकि रमज़ान में है जो रोज़ी इफ्तारी में तलन तुलन बनता रहता है तो बहुत इजी हो जाता है आप सबको बताना कि हमने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया एंड रोज़ की जो डेली रूटीन लाइफ होती है उसमें खाना अलग तरीके से पकता है। तो इसलिए रमज़ान जब आता है तो एक अलग ही रौनक होती है। अल्लाह ताला ने ये जो महीना है पाक महीना जो है हम सबको बहुत अच्छी तरह से नवाजा है एंड बहुत ही अलग तरीके से हम इसे सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज़ आप भी अच्छे से इसे सेलिब्रेट करते होंगे एंड मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ जिस तरह से हमारे घर में हर चीज़ की नियामतें हैं, हर रोज़गार के घर में, हर मुसलमान के घर में, हर किसी के घर में इनफैक्ट ऐसी नियामतें अल्लाह ताला देते रहे और नवाजते रहे ताकि सब जो है अच्छे से रमज़ान बना सकें। जैसे आप जानते हैं रमज़ान जा रहा है, इसकी भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है सोच के कि रमज़ान जा रहा है क्योंकि पूरी साल जो है हम इसके लिए 11 महीने वेट करते हैं और 11 महीने वेट करने के बाद में 12वें महीने में ये एक महीना तो बहुत अफसोस हो रहा है कि रमज़ान जा रहा है, इबादतें करने का वक्त जो हम करते हैं वो जा रहा है। तो इस तरह से जो है समोसे हमारे रेड एंड उसके बाद में अफ्तारी के बाद में जो है हम निकल चुके थे मार्केट क्योंकि हमें जो है किचन का सामान लेना था तो हम मार्केट आ चुके हैं और मार्केट में काफ़ी भीड़ थी आज 27 मतलब शबे कदर की रात है फिर भी इतनी भीड़ थी कि पूछने की बात नहीं। और अचानक से मार्केट में जाने के बाद 5 मिनट में ही लाइट चली गई थी, मैं आपको लाइट चले जाने के बाद में कुछ समझ रहा नहीं तो हमने सोचा कि आईब्रोज भी बना लेते हैं लगे हाथ, हमें क्लीन अप और फेशियल भी करना था बट लाइट जाने की वजह से सब कुछ नहीं कर पाए तो मैं जो है अपनी आईब्रोज बना लूँ, मैंने सोचा कम से कम इतना तो कर लूँ ताकि अगर फेशियल और क्लीनअप करने का चांस नहीं मिले टाइम नहीं मिले तो आईब्रोज तो बनी रहे तो चेहरा थोड़ा अच्छा दिखे। तो जब लाइट नहीं थी और लाइट में ही लाइट बिगड़ के ही हमने आईब्रोज बना ली थी क्योंकि ज़्यादा हम रुक नहीं सकते थे इसलिए मैंने अपनी आईब्रोज बना ली थी और सैम ने भी अपनी आईब्रोज बना ली थी। देखिए काफ़ी अंधेरा था बट अंधेरे में भी काफ़ी पब्लिक थी
बता नहीं सकती मैं आपको कितनी गर्दी थी। आप उसके बाद में गला सूख चुका था एज यूजुअल, अभी भी लाइट नहीं आई थी, तो हमने सोचा नींबू पानी पी ले, तो नींबू पानी पी रहे हैं। तो देखा आपने, हम मार्केट गए थे एंड मार्केट में अनफॉर्चुनेटली जैसे ही हम लोग मार्केट पहुंचे वैसे ही 5 मिनट में लाइट चली गई। मीन्स ना शॉपिंग कर पाते थे ना हम लोग कुछ करने वाले थे, और जैसे कि सोचा टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो हम लोग ने सोचा क्यों ना पार्लर में जाके जो है आईब्रोज वगैरह बना ले या क्लीनअप वगैरह कर ले, ऐसा हम लोग ने सोचा था, वैक्सिंग कर ले, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हम लोग के पास में था, तो हम लोग ने सोचा कर ले। बट क्या हुआ, अचानक से लाइट चली गई, तो जैसे तैसे हम लोग ने सिर्फ आईब्रोज बनाया, सोचा अगर टाइम नहीं मिला तो एटलीस्ट जो है आईब्रोज तो बनी रहेगी, तो इसलिए हम लोग ने ये कर लिया। उसके बाद में मार्केट में हम निकले, बट इतनी गर्मी थी और ऊपर से लाइट नहीं थी, तो कुछ भी समझने नहीं आ रहा था। फिर भी हमको थोड़ा बहुत जो भी किचन वगैरह का सामान लेना था वो हमने लिया और वापस से आ गए। तो बस यही बताना था, और बताना था आज की बड़ी रात है, तो इंशाल्लाह हम भी इबादत करेंगे, आप सब भी इबादत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा करके दुआ कीजिए, आपके लिए भी कीजिए, हमारे लिए भी कीजिए, मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला से बस ये मांगेंगे कि हमारे जो गुनाह है वो माफ़ कर दे अल्लाह ताला कैसे भी करके, और अच्छे से हमें ज़िंदगी और आखिरत हमारी अच्छे से रखे, बस यही दुआ है मेरी, बस यही कहना था आपसे। और तो क्या कहूँ, बस जो दिन स्पेंड किया है वो ही मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादा कुछ कैप्चर तो नहीं कर पाती हूँ, बट जो भी मैं कैप्चर कर लेती हूँ वो आपको व्लॉग में बता देती हूँ। तो होप गाइज आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, अगर पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से जाके जो है सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन ऑल का बेल पे भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जब भी मैं वीडियोस बनाऊँ तो आपको मिलती रहे। ठीक है, बस यही कहना था आपसे, तो हम जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में, तो स्टे ट्यून गाइज, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।